नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सोमवार को विशेष सत्र की शुरुआत हुई। विशेष सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। यह बैठक पुराने संसद भवन में चली। बैठक के बाद पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि यह छोटा सा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा यह ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र है। नए संसद भवन में 19 सितंबर यानी मंगलवार को होगा प्रवेश। इसके बाद संसदीय कार्यवाही शुरू होगी। नए संसद भवन में एंट्री गेट पर लगे हैं हाथी, घोड़े और गरुड़ के स्टैच्यू। भारतीय और वास्तुशास्त्र के मुताबिक बनाया गया है नया भवन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सख्त चेतावनी। अगर किसी ने बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज कर रहे होंगे इंतजार। अंबेडकर नगर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और फिर बाइक से कुचलकर हत्या के बाद सीएम आदित्यनाथ ने शहीदों को दी ये चेतावनी। दास्तां का प्रतीक है H-1B वीजा, इसे खत्म कर दूंगा। विवेक रामास्वामी ने H-1B वीजा कार्यक्रम को गिरमिटिया का नाम दिया। साथ ही उन्होंने H-1B वीजा को प्रोग्राम को खत्म करने की बात कही। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं विवेक रामास्वामी। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने फ्लैग होस्टिंग शेड्यूल इसलिए फाड़कर फेंका क्योंकि यह हिंदी में था। शेड्यूल हिंदी में मिलने पर हुए नाराज। आपत्ति के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अगली बार से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शेड्यूल जारी किया जाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में 175 नए वॉरशिप शामिल होंगे। भारत के इस फैसले के बाद चीन की नींद उड़ गई है। नौसेना ने 78 युद्धपोत और जहाजों का ऑर्डर दिया है। इनकी कुल कीमत 2,00,000 करोड़ रुपए है। भारत का मकसद आने वाले कुछ सालों में अपनी नौसेना को ताकतवर बनाना है। मणिपुर के इम्फाल जिले में खुनिंग थेक गांव में भारतीय सेना के जवान सोटे थांगथांग कोम का शव मिला। अपहरण के बाद कोम की हत्या कर दी गई है। कोम के 10 साल के बेटे ने हत्या की जानकारी दी। नेपाल की दहशत के बीच केरल में अच्छी खबर आई है। यहां नेपाल वायरस का कोई नया मामला नहीं मिला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक यहां नेपाल वायरस का फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है। एक 9 साल के बच्चे का इलाज चल रहा है, उसे भी अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अनंतनाग एनकाउंटर पर बोले LG मनोज सिन्हा, कहा जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। सुरक्षा बल जंगलों में छिपे आतंकियों का पता लगा रहे हैं जबकि आतंकियों के ठिकाने पर सेना ड्रोन से बमबारी कर रही है। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज की जोड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल ने बिना पसीना बहाए मेजबान श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। 8वां एशिया कप भारत ने जीता। भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए श्रीलंका को महज 50 रनों पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।